थिंग्स. विमेंस डे सारे जहाँ से महंगा. बहुत पूरी नर्वसनेस है, पूरी आप ऊपर से नीचे बॉडी में पूरा नर्वसनेस का यू नो वो दौड़ रहा है. जी आज आपने जो वेयर किया, हाँ यस, उसके बारे में. आई एम वेयरिंग अ फॉरएवर यंग ड्रेस एंड आई हैव डन माय हेयर फ्रॉम सैक्स. आई एम एंजॉयिंग इट. सस्ता क्या है आप मुझे बता दीजिए सस्ता क्या है, तो फिर महंगा कैसे बताऊँ. सब कुछ महंगा ही है, सस्ता तो कुछ है ही नहीं. क्या कुछ नहीं दिखेगा ऐसा पूछिए मुझसे. आपको बहुत सारा क्रिस्पी मज़ा दिखाई देगा, जिसमें यू नो एक फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली, वो कैसे डील करती है महंगाई से. आपको ये भी पता चलेगा कि यू नो जो महंगाई बढ़ गई है आजकल, उससे यू नो कैसे डील किया जाए. तो ये सब पेट्रोल. लास्ट टाइम आई रिमेम्बर जब मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया था तो 45 था, और अब मुझे लगता है आई थिंक 70 समथिंग हो गया है. मैं अपनी मॉम को सबसे ज़्यादा हाई आई मीन प्रायोरिटी देती हूँ, और उसी तरह मैं हर विमेन को प्रायोरिटी देना चाहती हूँ. जी मुझे लगता है सारी मूवीज़ जो भी आ रही है वो अलग अलग जॉनर की मूवी है, एंड दिस टॉपिक विच वी हैव कम आउट विद विच इज़ सारे जहाँ से महंगा, वो एक यू नो सटायकल टेल है यू नो विच इज़ हिलेरियस ऑन महंगाई. सो आई थिंक दिस इज़ लाइक वेरी इन टॉपिक दीज डेज, बिकॉज महंगाई इतनी हो गई है, सब लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं. सो आई थिंक ये मूवी विल गिव यू सम न्यू फ्लेवर ऑफ सिनेमा. जैसा कि आपने कहा कि महंगाई जो है काफ़ी महंगाई बढ़ गई, सो गवर्नमेंट को कुछ मैसेज देना चाहिए कि महंगाई कम हो या और बढ़े आपके अनुसार. आपको क्या लगता है अगर मैं गवर्नमेंट को बोलूँगी कि महंगाई कम कर दीजिए, लेकिन वो बजट जब भी निकालेंगे महंगाई होगी ही होगी. बट हम अपने जरिए आपका मैसेज. हाँ, मैं बस ये चाहूँगी गवर्नमेंट से कि वो जो आम लोगों की चीज़ें हैं, जैसे कि पेट्रोल है, यू नो ऑयल है, गैस है, इन पर प्राइस ना बढ़ाए, बल्कि यू नो और चीज़ों पर यू नो लेट्स यू नो कुछ कंपनसेट कर पाए कहीं किसी के थ्रू. सो रेडी है आप 8 मार्च का परफॉर्मेंस. वेरी वेरी एक्साइटेड. थैंक यू सो मच. कभी हमेशा ऐसा होता है.